अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में दोनों तरफ के जवानों को चोटें आई हैं। वहीं सोशल मीडिया पर कई वीडियो इस झड़प को बताकर शेयर किया जा रहा है। इन वीडियो में एक वीडियो ऐसा है जिसे सोशल मीडिया के अलावा देश और दुनिया के तमाम मीडिया हाउसेस ने भी शेयर किया है। कई वेरिफाइड यूजर्स ने इस वीडियो को जमकर शेयर किया है, जिसमें जर्नलिस्ट, फिल्म स्टार, लीडर्स और सोशल वर्कर्स शामिल हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय सैनिकों द्वारा चीनी सैनिकों को लाठी डंडों से जमकर पिटाई की जा रही है। डीफ्रैक टीम ने वायरल वीडियो की इन्वेस्टिगेशन की। वीडियो के बैकग्राउंड में कहीं पर भी बर्फ दिखाई नहीं दे रही है, जबकि इसके उलट 17,000 फीट पर मौजूद तवांग में भारी बर्फ जमी हुई है। इसके अलावा व्योन न्यूज की पत्रकार नेहा खन्ना ने वायरल वीडियो के बारे में अपने ट्वीट में बताया कि वीडियो अक्टूबर 2021 के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में योंगसे के आसपास भारतीय सेना और चीन PLA के बीच हुए संघर्ष का है। वहीं गूगल पे इस बारे में सर्च करने पर हमें NDTV की एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में भारतीय सेना के हवाले से वीडियो के 9 दिसंबर की घटना के संबंधित होने का खंडन किया गया है। इसीलिए डीफ्रैक के इस फैक्ट चेक से साबित होता है कि वायरल वीडियो पुराना है। ऐसे और फैक्ट चेक के लिए देखते रहिए डीफ्रैक।